हेलो क्वींस, वेलकम टू साया कलेक्शन, मेरी रसोई। आज हम लोग क्वींस देखिए मिट्टी के कुकर में बनाएंगे दाल। जब मुझे जल्दी होती है तो मैं क्या करती हूँ, दाल सब्जियाँ सब कुछ एक साथ उसी में ही, अलग से चपाती ना बनानी पड़े तो आटा लगा के उसी में लोई भी डाल देती हूँ। हम लोग तो इसको गड़बड़ झाला दाल बोलते थे मम्मी की। अब आपको जो नाम देना हो क्वींस आप दे सकते हैं। उसके लिए हम जल्दी से देख लेते हैं हमें क्या क्या चीज़ चाहिए। देखिए, ये मैंने अरहर की दाल है 2 कटोरी, उसमें मैंने 2 टेबलस्पून चने की दाल आधे घंटे भिगो के रखी थी। इधर हमारी फूलगोभी है, ये बीन्स है मेरी, और ये तरोई है, ये परवल, हरी मिर्च, टमाटर, अरबी, और ये मसाले हैं जो हमें चाहिए होंगे, हल्दी, मिर्च, नमक, गरम मसाला, और ये एक मसाला है क्वींस जो मैं घर में बनाती हूँ, उसका मैं आपको पूरी रेसिपी दे दूँगी। और ये जीरा, लौंग, काली मिर्च, बड़ी इलायची, तेज़पत्ता, हींग, ये सब हमको चाहिए। अब देखिए मिट्टी के बर्तन को मैं बताती हूँ क्वींस, कभी भी आप सिर्फ बर्तन को गर्म मत करिएगा। जब भी उसको गर्म करना है तो उसमें ऑयल, घी, तेल, जो भी आपको डालना हो, ये देखिए उसको डाल के ही चढ़ाइएगा, तो उससे आपका बर्तन सेफ रहेगा। अब ये घी में हम डाल देते हैं, देखिए हींग, और ये अपनी एक बेली लीफ, और ये काली मिर्च, लौंग, बड़ी इलायची, बड़ी इलायची को थोड़ा सा मैंने क्रश कर लिया है, और ये जाएगा अपना जीरा। जीरा थोड़ा डालेंगे क्योंकि हमें ऊपर से भी बाद में जीरा चाहिए। थोड़ी सी गैस मैं यहाँ पे तेज करती हूँ। अब ये जब तक मिट्टी के बर्तन में ना टाइम लगता है क्वींस बनने में, इस ये जब तक तड़का हमारा होता है, और इसको एक बार चला लेते हैं। देखिए क्वींस, ये हमारा हो गया है ना। अब हम इसमें, क्योंकि मैं जो हूँ प्याज नहीं लाइक करती हूँ सब में, आप चाहें तो इसमें प्याज ऐड कर सकते हैं। ये हमने हरी मिर्च डाली इसमें, थोड़ा सा हरी मिर्च को होने देंगे हम। ये देखिए, और एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा। मैं ये जो रेसिपी सब बताती हूँ ये है पुरानी सारी हमारी दादी नानी के समय की, लेकिन यकीन मानिए ये बहुत पौष्टिक होती हैं, खाने में बहुत ही टेस्टी होती हैं और बहुत क्विक बनती हैं। ये एक पूरा मील आपका तैयार हो जाएगा एक साथ। ये हरी मिर्च के बाद मैंने डाल दिए हैं टमाटर, तो हम जब डाला है तभी हम नमक डाल देंगे ताकि हमारे टमाटो जल्दी हो जाए। ये देखिए, ये एक भाग लग चुकी है हमारे टमाटरों को। अब हम इसी में अपनी सब दाल सब्जी सब ऐड करेंगे, लेकिन उसके पहले हम सब मसाले डाल देते हैं। ये हमने हल्दी डाली, हल्दी पाउडर, और ये लाल मिर्च पाउडर हम बाद में यूज़ करेंगे ऊपर से तड़के में। ये मसाला है जिसकी रेसिपी मैं आपको नीचे दे दूँगी, मैंने घर में बना हुआ ये गरम मसाला ऐड किया हमने, और थोड़ा पेशेंस से बनाइएगा क्योंकि इसमें टाइम लगेगा मिट्टी के कुकर में। और अगर आप दूसरे कुकर में बनाते हैं तो ये 2 विसिल में बन जाएगी। देखिए मैंने सारी सब्जियां इसी में ऐड कर देंगे साथ ही में। इसमें सब्जियों को हमको बहुत गलाना नहीं है। देखिए इसी के साथ हमारी सारी दाल, तो उसको चला लेंगे एक बार, और इसमें थोड़ा पानी ऐड करके हम 1 विसल ले लेंगे। बाद में हम इसमें अपना बताते हैं, इसमें आटा भी हमको चाहिए, तो आटे का हम क्या करने वाले हैं। ये देखिए, ये हमने ढक्कन लगा दिया है। अब इसमें हम 2 सीटी आने देंगे। असल में मिट्टी के कुकर में सीटी, जैसे हम लोगों की और कुकरों में सीटी आती है, उतनी तेज़ नहीं आएगी। ये थोड़ा सा जैसे हॉकिंस का आपने फ्यूचरा का देखा होगा, विदाउट सीटी जो कुकर होता है, बस वो सी आवाज़ लेता है थोड़ी सी, तो उसे समझना पड़ता है। और ये मैंने यहाँ पे ले लिया है आटा, आप अपने अंदाज से ले लीजिएगा जिस हिसाब से दाल वगैरह लेंगे। ये मैंने 1 बाउल आटा लिया है, उसमें सिर्फ सिंपल थोड़ा सा नमक ऐड किया। अब इसको नॉर्मल चपाती की तरह पानी से हम लगा लेंगे। चलिए, अब हमको जो है आधी घंटा हो गया है, क्योंकि क्वींस मैंने पहले ही बताया था मिट्टी के कुकर में टाइम लगता है। आधी घंटा हो गया, अब हम इसको खोल के एक बार चेक कर लेते हैं। वाह क्वींस, और ये देखिए मिट्टी के कुकर में जो है हमारी कितनी बढ़िया बनके। एक चीज़ बताऊँ, इसमें चीज़ बिल्कुल कुकर जैसी गलेगी नहीं,
पक जाएगी, लेकिन उतनी ज़्यादा गलती नहीं है और बहुत ही अच्छा फ्लेवर उठ के आ रहा है। अब ये देखिए, मैंने यहाँ पे ये आटा लगा के रखा था, नॉर्मल जैसे आटा चपाती का लगाते हैं। अब इसको हम एक चपाती बेल लेंगे। पहले देखिए, इस समय हमको ये पूरी थोड़ी सी दाल हमारी बची है और होने में, ये देखिए, तो बस इसी समय हमको इसमें ये मैंने एक चपाती बेली है, ये देखिए, ठीक है, ये नॉर्मल आटे की चपाती है। इसमें बस हमने नमक ऐड किया था। अब इसको हम कट कर लेंगे, आपका जैसा मन हो उस शेप में इसको काट लीजिए। ये देखिए, ये देखिए, इसको मैंने कट कर लिया। अब इसी समय हमें ये उठा के अपने पीसेस जो है ना उस दाल के अंदर हम सब डाल देंगे। ये देखिए, ये ऐसे हम दाल के अंदर इसको डाल देंगे। कभी आपका अलग से चपाती बनाने का मन नहीं है, सब्जी बनाने का मन नहीं है, तो आप इसको जल्दी से कुकर में ऐसे सारा ये पूरा एक मील तैयार हो जाएगा। इसको अब हम चला देंगे। ये मिट्टी के कुकर में है तो मुझे टाइम लगेगा, मुझे एक घंटा पूरा ये डिश बनाने में लग जाएगा ऑलमोस्ट। और अगर आप कुकर में लेते हैं, पहले एक सीटी लीजिए दाल सब्जी पे और फिर आप ये आटे का चपाती बना के, चपाती बहुत मोटी नहीं रखिएगा, बहुत पतली भी नहीं, मीडियम साइज़ में होनी चाहिए, और फिर आप इसको डाल के एक विसल और ले लीजिएगा। बस आपकी बहुत जल्दी तैयार हो जाएगी। देखिए, ये अपनी बनके बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हम इसमें क्या करेंगे, ये नींबू डाल लेंगे, एक नींबू का रस जो कि मैंने छान के निकाल लिया था। अब इसकी हम प्लेटिंग करते हैं। बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही है, इसमें जो हमने पहले मसाले डाले थे वो मिट्टी के कुकर में बनी है। इसमें सब्जियां वगैरह सब हमको खड़ी खड़ी रखनी होती हैं। अभी देखिए, हम इसकी प्लेटिंग करेंगे और ऊपर से इसमें हम ये तड़का भी डालेंगे। देखिए क्वींस, ये हमारी बनके रेडी है। अब हम इसमें ऊपर से तड़का डाल लेंगे थोड़ा सा। ये नॉर्मली तड़का है हींग जीरे का, और लाल मिर्च मैंने इसमें डाली है। देसी घी में तड़का लगाइए और देखिए आप, ये कितनी ही अच्छी लग रही है। और ज़रूर ट्राई करिए, जब आप जल्दी में हो तब आप इसको ज़रूर ट्राई करिए। और थोड़ा सा धनिया स्प्रिंग कर देंगे। ये देखिए, आप इसको एंजॉय करिए। कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, ट्राई ज़रूर करिएगा। ओके, बाय बाय, सेफ, टेक केयर।